नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। तीन तरह से फैल रही है लावा की धार, खतरे में स्पेन का ये शहर। स्पेन के कैनरी आइलैंड पर स्थित ला पाल्मा ज्वालामुखी 50 साल बाद फिर फट रहा है। इस समय यह बेहद गुस्से की बात है। हजारों फीट ऊपर तक लावा फैल रहा है। 5 जगहों से लावा फूटकर बाहर निकल रहा है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा 3 तरह से एक शहर को घेर रहा है। अब तक 166 से ज़्यादा घरों को यह लावा जला चुका है। सड़कों पर लावा की दीवार बन गई है, स्विमिंग पूल तक पिघल चुके हैं। अब खतरा केलों के बागों को है। वैज्ञानिकों को आशंका यह है कि कुछ दिन और लावा फैलना सकता है। इसके बाद लावा सीधे समुद्र में जाकर गिरेगा, लेकिन अब तक भारी तबाही मच चुकी है। ला पाल्मा ज्वालामुखी को ला कब्रे विएजा यानी द ओल्ड समिट भी कहा जा रहा है। इसके पहले यह अक्टूबर 1971 में फटा था। तब इसने 3 हफ्तों तक लावे की दुनिया बहाई थी। 19 सितंबर 2021 की रात में हुए विस्फोट के बाद यह ज्वालामुखी लगातार लावा उगल रहा है। पास के पल पासो कब्जे के दर्जनों मकान जल चुके हैं। पास के गांवों के खेत और घर पिघल कर मिट्टी में मिल चुके हैं। अब तक इस ज्वालामुखी के आसपास स्थित रिहायशी इलाकों से करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। किसी के बारे में यानी जाने का घायल होने की खबर नहीं है। स्थानीय ज्वालामुखी वैज्ञानिकों को अनुसार ये अगले 4-5 दिनों तक लावा फेंकता रहेगा, जो आसपास के गांव और कस्बों को पार करते समुद्र में जाकर गिरेगा। लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। लावा 200 मीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहा है। 21 सितंबर 2021 तक 706 मिलियन क्यूबिक फीट यानी करीब 2000 करोड़ किलोग्राम लावा ज्वालामुखी के गर्भ से बाहर निकलकर शहरों की तरफ फेंक चुका है। 11 सितंबर को आसपास स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि ला पाल्मा ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है,